तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक सरकारी डॉक्टर के साथ गैंगरेप, हत्या और जला देने की दिल दहला देने वाले मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला कि इस जघन्य वारदात में एक आरोपी मोहम्मद आरिफ ने हैवानियत के दौरान पीड़िता का मुंह दबा रखा था ताकि उनकी चीखों को कोई सुन ना सके। वह तड़पती रही और दरिंदे उनके साथ हैवानियत करते रहे। माना जा रहा है कि सांस नहीं ले पाने के कारण हैदराबाद की इस निर्भया की मौत हो गई। इस बीच पुलिस ने कहा है कि आरोपियों ने ही साजिश के तहत स्कूटी से हवा निकाल दी थी ताकि वे महिला डॉक्टर को अपने जाल में फंसाकर वारदात को अंजाम दे सकें। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गैंगरेप के दौरान महिला डॉक्टर ने मदद के लिए गुहार लगाना शुरू कर दिया था। आरोपियों को लगा कि वे पकड़े जा सकते हैं। इसी बीच मोहम्मद आरिफ ने महिला पशु डॉक्टर का मुंह बंद कर दिया ताकि उनकी आवाज़ बाहर ना आ सके। माना जा रहा है कि इसी दौरान सांस नहीं ले पाने के कारण महिला डॉक्टर की दम घुटने से मौत हो गई। तेलंगाना पुलिस ने महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप, हत्या और जला देने के 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मोहम्मद आरिफ, नवीन, चिंताकुला, केशावोलू और शिवा के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि हैवानियत की यह घटना बुधवार रात 9:35 से 10 बजे के बीच की है। पुलिस ने बताया कि गैंगरेप के बाद आरोपी डॉक्टर के शव को एक ट्रक पर लादकर हाईवे पर कुछ आगे बढ़े और एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदा। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का मकसद सच्ची और सही जानकारियां आप तक पहुंचाना है। एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसे लगी। इसलिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।